आप अपने एमएस वर्ड के फाइल में पासवर्ड लगा करके तो आप प्रोटेक्ट किए ही होंगे, लेकिन आज हम एक दूसरा मेथड बता रहे हैं कि आपका फाइल भी रहेगा और ये जो इस फाइल में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारे के सारे टेक्स्ट को हम लोग हाइड कर सकते हैं। ध्यान रहे, टेक्स्ट को हाइड करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक जरूर देखेंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल ए बटन को दबा करके हम लोग सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। डी प्रेस करने के बाद हमारे फोन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ हिडन, हिडन को सेलेक्ट करके ओके बटन को क्लिक कर लेंगे। अभी हमारा सारा का सारा टेक्स्ट हाइड हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एस दबा करके इस फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी हम रख सकते हैं, हम यहाँ पे एक फाइल का नाम रख लेते हैं डी फोर टाइम जी हमने टाइप किया और सेव बटन को क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा फाइल सेव हो गया। फिर से ऑफिस बटन को क्लिक करके यहाँ पे फाइल को क्लोज कर लेते हैं। फिर से इसी फाइल को हम दोबारा से ओपन करते हैं। ये फाइल हमारा है डीजी को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइल तो ओपन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं फाइल का नाम आ गया, फाइल तो ओपन हो गया लेकिन कंटेंट हमको नहीं दिख रहा है। इसके लिए फिर क्या करना है, कंट्रोल ए बटन को प्रेस कर लेंगे अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल ए बटन को प्रेस करने के बाद फिर से कंट्रोल डी बटन को प्रेस करेंगे और ये हिडन वाले टिक को हटा देंगे, फिर ओके बटन को क्लिक कर लेंगे। अब आपका देखिए जो भी टेक्स्ट था वो सब अनहाइड हो गया। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।